यानी कि सियार, फॉक्स, लोमड़ी, वुल्फ, भेड़िया कुछ भी खा सकता है ये, कुत्ते को भी खा सकता है, बकरी को भी खा सकता है। बारिश हो रही है। हेलो, दिख रहा है तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जौनपुर सिटी से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर नेवादा मुखलिसपुर है, और यहाँ पर ये इंडियन रॉक पाइथन जैसा दिख रहा है। हालांकि काफ़ी भारी भरकम का है, तो लगता है कुछ खाया हुआ है। अगल बगल में परिवार रहता है, घर है, बस्तियाँ हैं, ये खेत का मैदान है, तो यहाँ से इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे गाँव के परिवार के बहुत से सारे सदस्य आते जाते रहते हैं। तो इसको निकालना और काफ़ी दूर लेके चलना बहुत ही ज़रूरी है। नज़रें जमाए रखिए, थोड़ा सा साफ सफाई करेंगे, थोड़ी मेहनत करना होगा, क्योंकि खतरा तो हमेशा बना रहता है ज़िंदगी के साथ में। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, एक बार इनको दिखाया जाए। तो सारे भाइयों ने ये भी जीव जंतुओं को बचाने के लिए हमको याद किए, और इनके लिए एक लाइक बनता है। चलिए हम इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी बिग साइज का है, इंडियन रॉक पाइथन, यानी कि ये खतरा इससे बना रहता है, और ये हड्डी तोड़ने का विशेष मास्टर है। हालांकि इसको इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन बोलते हैं, गांव में कहीं कहीं पर इसको अजगर के नाम से भी बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं, कुछ खाया है लग रहा है। तो दोस्तों, जिस गाँव से ये बिलोंग करता है, इसको देख कर ऐसा लगता है कि काफ़ी खाया पिया है, इसका पेट जो है भरा हुआ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, विश्वास नहीं होता। पकड़ पे ही जब तक ऊपर गर्दन न आए। भैया थोड़ा शांति बनाए रखेंगे, तो पहले ये घास थोड़ा सा साफ करवा दीजिए। आराम से भैया थोड़ा शांति बनाएंगे। जिस जगह आए उस काम को बढ़िया से निभाइए, और कोई बात नहीं कीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी बिग साइज का है, थोड़ा मोटा भी है, और तब तक फावड़े से इधर से थोड़ा बहुत साफ करिए इसको, इसीलिए तो कहा जा रहा है साफ करने के लिए, कोई साफ ही नहीं कर रहा है। छड़ी में ऊपर से इधर फेंक दीजिए, आराम से उठा के फिर वापस आवता है मुंडी। कुछ खाया हुआ है ये, कुछ लीले बा। तो दोस्तों, लगता है ये कुछ खाया हुआ है, और इसे उठाते हैं, लेके चलते हैं थोड़ा मैदान की तरफ। पीछे हो जाइए दोस्तों, काफ़ी ये बिग साइज का लग रहा है। तो दोस्तों, ये तकरीबन 8 से 10 फीट का है। मुड़िए, रुके साहब। हाँ, रुकेगा, देखा उल्टा प्रयास कर रहा है, वेट कर रहा है। चलिए चलिए, उधर तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्या खाया हुआ है, इंडियन रॉक पाइथन के नाम से जाना जाता है, और कोई भारी भरकम का चीज ये खा चुका है। निकले हमें लाए,
साल भर एक एकर काम भर रहा लेकिन उल्टी करे परे का। हां सर उल्टी करे जी। ससुर और डेरा में था हां ना फरहा रहा था। तो दोस्तों इसको बचाना थोड़ा जरूरी था। तो दोस्तों आप अपनी मर्जी से यानी कि इसका छेड़छाड़ हो जाने पर जो खाया हुआ है ये पलटी करेगा ज़रूर। तो ऐसे में इन लोगों का कहना था भाई यहाँ से इसको दूर ले जाया जाए, नहीं तो गांव के लोग हैं दिमाग की बात है मार भी सकते थे, तो इन्होंने बचाने का काम किया है। देखिए क्या है कि दोस्तों काफ़ी लोगों का मानना है कि ये हो सकता है खरगोश खाया हो सकता है लोमड़ी है सियार फॉक्स लोमड़ी वुल्फ भेड़िया कुछ भी खा सकता है ये, कुत्ते को भी खा सकता है बकरी को भी खा सकता है, क्योंकि सांप ये इंडियन रॉक पाइथन जितना मोटा होता है अपनी मोटाई से तकरीबन काफ़ी मोटा चीज ये अपने से 4 गुना 8 गुना तक भी ये कवर करता है। मगर वो खाया है क्या कोई मोटा जानवर? हाँ यार यही पूछे सही का। तो दोस्तों ये स्थितियाँ बहुत कम देखने को मिलती है, ये अपने शरीर की वजह से अक्सर इंसानों के बीच में पकड़ा जाता है और जब हमारे घरों के आसपास आता जाता रहता है तो लोग इसे कैच करवाते हैं। देखने पर ऐसा लग रहा है कि दूसरा कोई जानवर है ये छाता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये नज़ारा पहली बार देखने को मिला है, काफ़ी विशाल का है और भारी भरकम का है और इसकी भी चमड़ी काफ़ी मजबूत होती है और जो खाया हुआ है उसकी भी चमड़ी काफ़ी मजबूत होती है दोस्तों। और ये नज़ारा बहुत पहली बार देखने को मिलता है। ऐसा आप दिखा देख लीजिए कभी दिखाई दे तो बताइए। भैया आप भागेगा थोड़ा दूर रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफी बिग साइज का है। अब दोस्तों ये इसकी शरीर हल्की हो चुकी है और ये भाग भी सकता है, लेकिन इसको भागने देना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसे ले चलेंगे जंगल की तरफ रिलीज करेंगे। दोस्तों ये काफी बिग साइज का है। इसकी भी उम्र तकरीबन 20-30 वर्ष हुई होगी। तो दोस्तों ये नज़ारा बहुत लड़ाकू है, बहुत लड़ाकू। तो दोस्तों सबसे खास बात एक ये है कि जीव ही जीव का आहार है। चलिए हम इसे लेके चलते हैं बेचारा, ये भी तो अपने पेट के खातिर ऐसा किया है। ये कैच कैसे करना है? तो दोस्तों ये काफी खतरनाक भी होता है। दोस्तों ये पकड़ में आ गया है, चलिए हम इसे लेके चलते हैं। थोड़ा बारिश हो रही है छाई की तरफ। अजगर को थोड़ा सा पूछ पकड़ लीजिए आप दोनों साथ में, चलते हैं छाई की तरफ। घर तुरंत लेके चलिए एकदम बहुत फास्ट। चला अंदर वो ले चला। हाँ दोस्तों तकरीबन ये काफी वेटेड है। ये जगह से अंदर वाली
छोटा समूह कितना बड़ा मिली हो, कुछ छोटा और जितना पकड़ा है उतना गल गया, खींचेगा और अंदर आ गया, थोड़ा सा और बड़े पकड़ेगा फिर रोक के रखेगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर और बढ़ाएगा खींचेगा, और बाकी पूरी सर्विस की देखिए कर इसमें का उसमें दबा करता है। लार ग्रंथियाँ इसकी और ऊँट की बहुत एक्टिव होती हैं, ऐसे ऊँट भी है ना बड़े बड़े कांटा झरबैल को इसे पकड़ता है, इसे आराम खाता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम इसी में पैक करते हैं, ये काफ़ी बिग साइज़ का जानवर है, ऐसे जीवों को थोड़ा आप भी बचाइए, खा पी करके इससे देख करके ऐसा लगता है कि जिस गांव में रहता है यहाँ के लोग काफ़ी प्रफुल्लित हैं, खाए पिए घर का लग रहा है दोस्तों, तो खाते पीते सेहत को बनाया है, इसको बचाना अपना परम कर्तव्य है, ये बेजवान है। चलिए इसको हम बोरी में पैक करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, ये काम सिर्फ एक एक्सपर्ट के लिए है। तो चलिए हम इसे पैक कर दिए, तो थैंक यू दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए यानी कि आज के लिए और अभी के लिए थैंक यू बाय। बारिश हो रही है, ये मिजाज यानी कि प्राकृतिक का भी मिजाज थोड़ा बम है, अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए और इन जीवों को भी बचाइए, क्योंकि ये बेजुबान है, मानव के आसपास में ही दुनिया के सबसे खतरनाक जीव अक्सर पाए जाते हैं। तो थैंक यू।